राम जी का फोटो देखा, चित्र देखा? तो राम जी का पेट मोटा है क्या? सीता जी का और हनुमान जी, लक्ष्मण जी, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनी, पतंजलि और उधर सीता जी, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सरस्वती का पेट मोटा है? और अभी सरस्वती इधर देखो, सबकी सरस्वती इधर निकल रही है, किसी की इधर नहीं है? अपने को, अपने पूर्वजों को देखा करो और वैसा ही तन, वैसा ही मन, वैसा ही जीवन, वाणी, व्यवहार, आचरण, चरित्र कैसा हो ऋषियों जैसा हो। जिसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। हाँ सामने रोज करना। इसके लिए इस देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, पाले पोसे कष्ट उठाए, अपना दूध पिलाए, समय वो आ गया है। सूक्ष्म व्यायाम रोज कर लेना। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम और आसनों का एक पैकेज दे देता हूं आपको, वो रोज कर लेना सब, फिर कोई रोगी नहीं होगा, एक रुपए भी आपका दवाई में खर्च नहीं होना चाहिए, एक रुपए भी डॉक्टर के पास, दवा बेचने वालों के पास, मेडिकल स्टोर में नहीं जाना चाहिए, दारू वालों के पास में नहीं जाना चाहिए, दारू पीने वाले और माल्या की तरह दारू बेचने वाले दोनों ही बर्बाद होने वाले हैं। इसलिए दारू पीने वाले भी और दारू पीने वाले तो बर्बाद होते ही है, और अभी ये जो विजय माल्या का सामने आया है ना, ये बेचने वाले भी बर्बाद होते हैं, और जो उनसे दान लेते हैं वो भी बर्बाद होते हैं। इसलिए सावधान। ओ देशवासियों नमस्कार, ओ देशवासियों, कहती है देखो मां पुकार के, यही न जाए कोई सर से दुपट्टे को उतार के, हर पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, पुत्र भी अपना फर्ज निभाए, मां की लाज बचाए, समय वो आ गया है, कर लो। ए बाबू कर, इतना तो कर सकते हो, सब करो। अच्छा कृषकों व्यापारियों, अपने खजाने तुम भी खोल दो, धान, सोना, चांदी, देश की मिट्टी के भाव तौल दो, हर सारे मिलकर एक हो जाए, सारे मिलकर एक हो जाए, शक्ति आज दिखाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, हर जिसके लिए देश की माए गोद में लाल खिलाए, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना।
बनकर मैं और प्रलोभन तेरे वास्ते। आएंगे बाधा बनकर भय और प्रलोभन तेरे वास्ते, प्राणों में भर के प्रण को दे देंगे जान वतन के वास्ते। हर देश आज बलिदान मांगता, देश आज बलिदान मांगता, अपना धर्म निभाए समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। आप ही गाइए। हर देश आज बलिदान मांगता, देश आज बलिदान मांगता, अपना धर्म निभाए समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। इसके लिए, अरे इसके लिए इस देश की माएं को दिलाल खिलाए, समय वो आ गया है, 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 समय वो आ गया है। दोनों हाथ बांध के ऐसे मुट्ठी बांध के भाग भारत माता की जय भी बोलते रहना और भारत माता की विजय के लिए भी काम करते रहना, वंदे मातरम भी गाते रहना और भारत माता परम वैभवशाली बने ऐसा पुरुषार्थ भी करना। हाँ, अच्छा बताओ, जो खुद लाचार है वो भारत को कैसे ऊंचा उठाएगा? हम बोलते तो हैं मेरा भारत स्वस्थ बने, मेरा भारत समृद्ध बने, मेरा भारत सुखी बने। अरे तेरा भारत तब बनेगा जब तू खुद अच्छा होगा। बोलेगा मेरा भारत महान और दारू पी रहा है, तेरा भारत महान, इसका भारत दारू पी रहा है। मैं भारत हूं, बोलो मैं व्यक्ति नहीं, मैं क्या हूं? मैं भारत, मैं भारत हूं। तो मैं यदि दारू पीता हूं तो समझ लो देश दारू पी रहा है। मैं यदि सच्चरित्रवान हूं तो समझो देश चरित्रवान है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक कदम आगे बढ़ रहा हूं तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम सब भारत हैं। मैं आगे बढ़ूंगा तो ही तो देश आगे बढ़ेगा। मैं यदि समृद्ध हूं तो समझ लो देश समृद्ध हो रहा है। मैं वैभवशाली हूं तो देश वैभवशाली हो रहा है। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं तो देश पुरुषार्थ कर रहा है। मैं चल रहा हूं तो देश चल रहा है। चरैवेति चरैवेति, ऐसा सोचना है। मैं व्यक्ति नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं। ऐसा अपने आप, अपने भीतर भारत को देखो और कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि तुमको नीचा देखना पड़े, क्योंकि तुमको यदि नीचा देखना पड़ेगा तो देश को नीचा देखना पड़ेगा। मेरा ये जीवन का व्रत है, संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है। ये मेरी प्रतिज्ञा मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं ये सोचता हूं मैं जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे देश को नीचा देखना पड़े, क्योंकि मैं यदि नीचा हुआ तो मेरा देश नीचा होगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे देश को नीचा देखना पड़े। ऐसा हर एक भारतीय को सोचना है, हर एक भारतीय को ऐसा सोचना है। तो हमारा जीवन, हमारा ज्ञान, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए। हाँ? और इसके लिए योग आपको संबल देगा। तो चलो सीधे बैठो, सुबह योग करेंगे ना तो आप स्वस्थ बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे। जो स्वस्थ होता है, पुरुषार्थ करता है, वो समृद्ध तो अपने आप बन जाता है। योग करने से हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस, पीसफुल लाइफ अपने आप होगी आपकी। ये मंत्र है, दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सब करो, ये खड़े खड़े वाले तुम भी कर लो। ऐसे लंबा सांस लेना, छोड़ना।
सबको ऐसा करना है, सब करो, इधर बैठे वाले भी करो, बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, यहाँ के बच्चों के लिए एक बार ताली बजाओ। ये कितने अच्छे हैं, धूप में भी बैठे और कर रहे हैं मेरे साथ साथ जितना इनसे बन पा रहा है। बड़े वाले तो सोच रहे कैसे करे बाबा जी। तो ये दो मिनट भस्त्रिका कर लेना, ऐसे जो जवान है तो तेजी से कर लेना, कैसे ऐसे दो मिनट भी कर लिया ना, पूरी एनर्जी आ जाएगी। ताकत कोका कोला पेप्सी में थम्सअप में नहीं है, वो झूठा ऐड दिखाते हैं, आओ खुश तो पानी करते हैं। ओ कोका कोला पेप्सी थम्सअप में तूफान नहीं, उसमें गैस भरी पड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बताओ ये हमारे मसल्स किससे बनते हैं? ये देखो मेरे मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? और ये हड्डी किससे बनती है? कैल्शियम से। बड़े होशियार बच्चे हैं। खून किससे बनता है? आयरन से। कोका कोला में पेप्सी थम्सअप में प्रोटीन है क्या? कैल्शियम है, आयरन है, तो क्या है उसके अंदर? उसके अंदर गैस। और इसे कोका कोला पेप्सी थम्सअप पियो ना, तूफान नहीं निकलता, गैस निकलती है। और फिर नीचे से भी ऐसे पटाखे छूटते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की फायरिंग हो रही हो। तो किसी भी बच्चे को कोका कोला पेप्सी थम्सअप नहीं पीना, उसके लिए हमने बहुत सुंदर नाम दिया। उसमें गैस होती है और अंदर केमिकल्स होते हैं, एसिड होती है, इसलिए उसका नाम दिया हमने ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम है बोलो बच्चों? ठंडा मतलब। ए बड़े वालों तुम भी बोल लो, पीते हो क्या? किसी को नहीं पीना। ठंडा मतलब किसी का संडास, किसी का टॉयलेट बहुत गंदा हो ना, तो दो ढक्कन डालना कोका कोला पेप्सी थम्स अप के, एकदम चकाचक साफ हो जाता है, ट्राई करके देख लेना। उसमें कोई भी हेल्थ प्रॉपर्टी? तो फिर ऐसा जहर पीना जरूरी है? बताओ, पैसा देकर के जहर पीते? अच्छा पानी पी लो ना, घर का क्लीन वाटर पियो, और कोकोनट वाटर पियो, लेमन वाटर पियो, फ्रूट का जूस पियो, कितने अच्छे अच्छे मैंगो है, बनाना, और इधर का तो सपोटा क्या जोरदार मीठा होता है। इधर आदमी भी मैंने देखा तगड़ा तगड़ा हो गया, यहाँ का सपोटा भी तगड़ा तगड़ा है, इतना अच्छा होता है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फ्रूट्स बहुत खाए, क्योंकि मैं 18 साल तक फ्रूट्स ही खाए, अनाज खाए नहीं, ग्रीन्स, नो ग्रीन्स, नो पल्स। सपोटा जैसा यहां होता है वैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। सपोटा बहुत अच्छा होता है, यहां का आदमी भी बहुत अच्छा होता है, बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी है इधर का, और आदमी से भी ज्यादा यहां की औरतें, महिलाएं और ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, माताएं तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, फर्स्ट नंबर माताओं का, सेकेंड इन भाइयों का है। तो और इधर लोगों में डिसिप्लिन बहुत है, हार्डवर्क बहुत करते हैं, और ऑनेस्टी में भी नंबर वन है। एक आधा बीच में गड़बड़ हो जाता है, वो कोई बात नहीं। वो हमारे आइडियल नहीं है, वो तो सब दारूड़े हैं। भस्त्री का इसके बाद कपालभाति। एक तो होता है सोरेकाई लंबे वाला, एक दूसरा क्या होता है, तोरी को क्या बोलते हैं? हीरेकाई। और ये इतना अच्छा होता है, उधर नॉर्थ इंडिया में ना वो पता नहीं, वो पतली चमड़ी वाली, इधर मोटी चमड़ी वाली हीरेकाई होती है, इतनी मीठी होती है। मैं 5 दिन से हीरेकाई खा रहा हूं। ओ मंजुनाथ किधर गया? ओ उसकी पत्नी वो रोज मेरे लिए आधा किलो बनाती है हीरेकाई। मैं उसको पहले दिन खाया, बोले ये तो बहुत स्वादिष्ट है, अपने हीरेकाई खाओ, सोरेकाई खाओ और मस्त रहो। ये हीरेकाई सोरेकाई बहुत अच्छी है इधर। तो सब एकदम हेल्दी हो जाएंगे।
मेरा हीमोग्लोबिन है 18 पॉइंट, कितना है 18 पॉइंट, और 18 वर्ष से तो अनाज ही नहीं खाया, हीरे का ही सोरे का ही खाता रहा, अब मस्त रहता हूं। और यार सब खा गए, फिर बोलते बाबा जी हमारा हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, कैल्शियम विटामिन न्यूट्रिशंस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हो गई है। सुबह कपाल भाती करो, देखो ये और हीरे का ही सोरे का ही खाओ, हरी सब्जियां कैरेट खाओ, और जिनको डायबिटीज है वो खीरा करेला टमाटर का जूस पियो। कपाल भाती करो, खीरा करेला आगलकाई और टमाटर तो सब समझते ही हो, ये सब जूस पीना डायबिटीज वाले, और उसको डायबिटीज वालों को ब्लड प्रेशर ओबीसीटी भी है तो उसके अंदर सोरेकाई मिला लेना, और वीकनेस है ना तो फिर आंवला एलोवेरा का जूस, आंवला और एलोवेरा बहुत जबरदस्त होता है, ये रोज खेल लिया करो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। इतना विश्वनाथ ये तो बढ़िया कर रहा है, और विश्वनाथ के साथ हमारी वाणीश्री तो भी पतली हो जाएगी, हा बाबा जी को याद क्या कर सुबह सुबह, और कि बाबा जी ने बोला था रोज ये करना है तो रोज कर लेना, और खाने पीने में थोड़े दिन ग्रेन्स बंद कर दो, वेजिटेबल्स लो, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइट फ्रूट्स एंड डू एवरी डे कपाल भाती 15 मिनट टू 30 मिनट्स, यू कैन डू दिस डेली, बहुत जबरदस्त है, पेट इतना हल्का हो जाएगा, फिर देखो इतना पतला हो जाएगा, इतना पतला सा पेट चाहिए ना सबको, किसी किसी के तो इतने इतने मोटे हैं, इधर भी मोटा इधर इधर भी मोटा। पतला पतला होना चाहिए, फिर गोल घुमा दो था, बात करना सबको करना है। बहनों तुम ऐसी पतली हो जाओगी, अभी पतला होने वाले एक्सरसाइज भी बताएंगे, फिर पूरा वो 12 एक्सरसाइजेज है, रोज कर लेना, सबको सिखाना है, आज कोई मोटा नहीं दिखना चाहिए मुझे, आज सबको सीखना है, पुलिस वाले भी सीख लेना, पेट किसी का मोटा नहीं होना चाहिए, आपके सबके जो बड़े साहब हैं इंस्पेक्टर साहब एसएसपी साहब सब सीख लो, और पुलिस वाले भी, और सब मेरे जैसा होना चाहिए सबको, पेट पतला। अच्छा देखो ड्रेस वालों का तो और ज्यादा फिट रहने की जरूरत है, और तुम लोग भी सुन लो, ए माताओ 10-10, 20-20 हजार की साड़ी लेके आती हो, और 20 हजार की साड़ी और 20 किलो का पेट दोनों साथ साथ अच्छा नहीं लगता है, साड़ी से 2000 रुपए की हो लेकिन पेट नहीं होना चाहिए, तो कम पैसे वाली साड़ी में भी तुम बहुत स्मार्ट दिखोगी, और ये हमारे भाई भी बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलवा लेते हैं, लेकिन फिर वो कपड़ा खराब हो जाता थोड़े दिन के बाद में, क्योंकि इसका सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ जाता है ये ना ये करना,
रोज कमार भाती लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन पेनक्रियस यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट किडनी लंग थायराइड पैराथायराइड एंड हार्ट पूरी बॉडी की इंटरनल एक्सरसाइज हो रही है। क्या हो रही है बोलो? इंटरनल एक्सरसाइज। ये बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए पूरे। क्या नाम है इस प्राणायाम का? जोर से बोलो। ये तो पक्के योगी है, ये बच्चे तो बहुत जोरदार है यहाँ के। तो कपाल भाती रोज करना, फिर इससे पूरा इंटरनल एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर अग्निसार देखो ऐसे, सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, तब पेट इससे एकदम हल्का हो जाता है। अग्निसार। फिर उज्जाई, थायराइड के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग के लिए। रात को ना कुछ लोग खर्राटे मारते हैं, खर्राटे को क्या बोलते हैं? गुरके। गौर के। तो ये उसके लिए बहुत जोरदार है। इसे सांस अंदर भरना टाइट करके, फिर रोक के रखना। ऐसे रोक के रखना, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना। और आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, तो सबको करना है, सबको स्ट्रेस है। जूनियर सीनियर को, सीनियर जूनियर्स को, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को, गुरुजी चेलों को और शिष्य गुरुजी को स्ट्रेस देते रहते एक दूसरे को है? तो क्या करना? स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है सबको, स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस पीसफुल लाइफ जीना है ना सबको। उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, सिजोफीनिया तक अच्छा हो जाता है, पैरालिसिस तक ठीक हो जाता है। और सारी नसनाड़ी 72 करोड़, कितनी बोलो? 72 लाख 10,000 201 इतनी नसनाड़ियां, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसनाड़ियां शरीर में। पंचकोश पंच प्राण अष्ट चक्र नवद्वार, इसको देह को देवालय शिवालय बनाना है। ये देह देवालय है, देह क्या बोलो? ये शिवालय है, क्या है बोलो? और हम सब आत्माएं शिव हैं, हम सब आत्माएं क्या है बोलो? बोलो तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। हम सब शिवरूप आत्माएं हैं। चलो सीधे बैठ करके अनुलोम विलोम करते हैं और भगवान के साथ एकाकार हो जाते। ऐसे 5 मिनट्स करना है सबको। साचा बस एक प्रभु का नाम जप ले सुबह और शाम। ओंकार का जप करना 5-10 मिनट, 5 to 10 मिनट डेली करना, और आप देखना अपने आप आपका मेडिटेशन हो जाएगा, मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। लाइफ में आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो 3 चीजें जरूरी है।
फिट बॉडी, शार्प ब्रेन, कंटिन्यूअस ऑनेस्टली हार्ड वर्क करना, बस ये तीन चीजें। योग करने से तीनों चीजें मिलेंगी, हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड कंटिन्यूअस ऑनेस्टली हार्ड वर्क करने की ताकत, उत्साह, पुरुषार्थ, पराक्रम मिलेगा। आओ सीधे बैठ के सबको 5 मिनट सबको करना है, रुकना नहीं है किसी को भी, मेरे साथ साथ करना, सब मुझे फॉलो करो, सब एक साथ करो, ऐसे हाथ रखना, ऐसे ऐसे लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, करो सब कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डू दिस, डोंट ब्रेक इट।